सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। मुझे अभी जस्ट कॉल आया है अमेजोन से क्योंकि मेरा आ चुका है पार्सल। तो चलिए यार, उठते हैं एंड सबसे पहले देख लेते हैं टाइम कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो 12:03 हो रहे हैं एंड आज है फ्राइडे। और चलिए मैं पहले रूम की जो है वो लाइट को वाइट कर देता हूँ। अभी ब्लू है, सोते टाइम जो है मैं ब्लू लाइट ही कर देता हूँ एंड अभी इसके ब्राइटनेस भी कर देता हूँ फुल। तो ये वाला लाइट है, इसको भी ऑन कर देता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा तो नींद भी एकदम भग जाएगी। एंड कुछ इस तरीके से मेरा फेस हो रहा है क्योंकि अभी सोकआउट हूँ, तो इस तरीके का मेरा फेस दिखता है सोकआउट होने के बाद। तो चलिए मैं अभी ले आता हूँ पार्सल, नहीं तो अमेज़ॉन वाले भैया चले जाएँगे। तो चलिए यार चलते हैं। फाइनली दोस्तों यार, पार्सल लेके आ चुका हूँ ये एंड अभी दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए यार चलते हैं रूम में, एंटर करते हैं एंड देखते हैं कि मैंने क्या मंगाया है, अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एंड नीचे से जाके मैं दुकान पे गया था तो वहाँ से दूध एंड बिस्किट भी ले आया हूँ। बेसिकली पार्सल में जो है वो मैंने पीनट बटर ऑर्डर किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना सा पीनट बटर बॉक्स देखो कितना बड़ा दिया है अमेज़ॉन वालों ने। ये पीनट बटर मंगाया है मैंने, इससे पहले जो है मेरा माई फिटनेस का था क्योंकि मैं बनाना शेक बना के पीता हूँ। एंड उससे पहले मैं अभी फ्रेश हो लेता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ, ब्रश करने के बाद बनाना शेक बनाऊँगा एंड उसके बाद आज तो फ्राइडे है तो नहाएंगे धोएंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा कुल्ला बुल्ला कर लेता हूँ क्योंकि ब्रश मैंने कर लिया है एंड चलते हैं अभी शेक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास केले हैं एंड केले एक ही बार ले आता हूँ, 6 केले, एक दो दिन चल जाते हैं। एंड ये मिक्सिंग मशीन है तो इसको लगा के सेट करके मैं बना लेता हूँ अभी बनाना शेक। इसमें मैं 2 केले डाल लेता हूँ, 1 ओरियो का बिस्किट जो लेकर आया हूँ वो डाल लेता हूँ, पीनट बटर है एंड दूध डाल के इसको बना देता हूँ बढ़िया तरीके से। एंड सुबह मैंने जो ना चाय पीना थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि सुबह में जो बनाना शेक है थोड़ा हेल्थी रहता है, तो चाय मैं ज़्यादातर अब शाम के टाइम में पीता हूँ। तो फाइनली दोस्तों बनाना शेक जो है वो बन चुका है, तो चलिए मैं इसको मेडिको कप में करके पी लेता हूँ एंड इसको पीने के बाद चलते हैं अब नहाने के लिए क्योंकि आज है फ्राइडे तो जुम्मा पढ़ने के लिए भी जाना है। तो फाइनली दोस्तों नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। एंड टाइम की बात की जाए तो 12:53 हो चुके हैं, तो चलिए टोपी लगाते हैं एंड चलते हैं मस्जिद की तरफ एंड उसके बाद अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ताला उठाते हैं, रूम को कर देते हैं लॉक एंड चलते हैं। एंड दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको आज का मौसम किस तरीके का मौसम हो रहा है। तो इस विंडो को मैं खोल लेता हूँ एंड मौसम जो काफ़ी बढ़िया हो रहा है। 2 दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी एंड अभी जो है थोड़ा सा मतलब उतनी धूप नहीं निकल रही है एंड पास में ये मस्जिद है। तो चलिए यार चलते हैं, जल्दी चलते हैं एकदम क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है। तो फाइनली दोस्तों जुम्मा पढ़ के आ चुका हूँ एंड मैं जा रहा हूँ अपने अभी रूम की तरफ। एंड ये कुछ इस तरीके की बिल्डिंग है हमारी एंड आप देखते होगे हर ब्लॉग में, ज़्यादातर ब्लॉग जो यहीं का रहता है, ये फ्लैट है मारूफ भाई का। एंड चलते हैं अपने रूम में अभी। तो फाइनली अपने रूम में मैं एंटर कर रहा हूँ एंड ताले को रख देते हैं यहाँ पे, रूम को कर दें लॉक एंड अब करते हैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट। तो देख लेते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर 1:27 हो रहे हैं। तो चलिए यार, पैंट शर्ट मैं पहने हुआ हूँ तो लोअर और टी शर्ट पहन लेता हूँ इससे पहले, क्योंकि रूम में रहते हैं तो लोअर टी शर्ट में ही रहता हूँ मैं क्योंकि पैंट में थोड़ा ज़्यादा मतलब कंफर्ट फील नहीं होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी सेशन। एंड गाइस, जैसे कि आप सब ये जानते हैं कि एक अच्छे करियर के लिए IIT एंड एम्स में एडमिशन लेने के लिए हमारी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कॉम्पिटेटिव फ्यूचर की तैयारी जब हम 12th में होते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है और PW इस बात को समझता है, तो इसलिए PW से पढ़ाई कर अब आप अपने
अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के इन बैच से, इन बैच में आपको सभी टॉपिक अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए परिश्रम बैच अब 2500 रुपए में। ये कम्प्लीट ट्वेल्थ CBSE बोर्ड प्रिपरेशन बैच है। ये बैच 8 मई से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 2023 को ये बैच खत्म होगा। इस बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ। हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होंगी एंड एक क्लास की जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 45 मिनट होगी। और जो नोट्स है वो आपको PDF के फॉर्म में PDW ऐप के अंदर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। डेली होम असाइनमेंट और आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग एंजाइम, जहां पर आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। एंड ये सब मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए में। सो आप PDW कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए PDW लिंक पर क्लिक करें। एंड कोर्स को परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:02। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है वो मैंने प्रैक्टिस सेट लगा दिए हैं, बायोलॉजी के अभी बाकी हैं। एंड अभी जो है वो खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो चलिए पहले मैं बर्तन धो लेता हूँ, डस्टबिन को बाहर डाल के आता हूँ एंड अभी प्रिपेयर करूँगा अपना लंच। तो दोस्तों आज जो है वो मैं लंच में उड़द की दाल और चावल बनाने वाला हूं। तो चलिए यार पहले इसको बढ़िया तरीके से धो लेता हूं, प्याज टमाटर और हरी मिर्च काट के बढ़िया तरीके से दाल को बना लेता हूं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं अभी स्टडी करते टाइम का जो है वो ज़्यादा सूट नहीं ले पा रहा हूं। जैसे कि आपको पता है टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ट्राईपॉड इधर से उधर निकल के वहां से स्टडी करते टाइम रखना पड़ता है। एंड अभी खाना बना रहा हूं तो यहां पे एक बार रख दिया तो ये शूट चल रहा है, तो इस वजह से आपको स्टडी का जो है वो ज़्यादा शूट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड फाइनली मेरा लंच रेडी हो चुका है, तो चलिए मैं कर लेता हूँ लंच एंड इसके बाद करते हैं स्टडी सेशन स्टार्ट। तो अभी के टाइम की बात की जाए तो 3:52 हो चुके हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मॉक टेस्ट 2 में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो लगा दिए हैं एंड अभी बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगाने बाकी हैं। तो चलिए मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगा लेता हूँ। तो मॉक टेस्ट के मैंने क्वेश्चंस लगा लिए हैं एंड अभी के टाइम की बात की जाए तो वो आपको लैपटॉप की स्क्रीन में दिख रहा होगा एंड टेबल क्लॉक में भी दिखा देता हूँ। 6:06 हो रहे हैं एंड अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चाय जो है वो मैं शाम के टाइम पीता हूँ एंड अभी थोड़ा सा मैं काफ़ी टाइम से रूम के अंदर ही हूँ, तो अभी आ चुका हूँ छत पर। एंड हमारे साथ हैं अमन भाई, जैसे कि आप जानते हो, और पीछे आपको मेडिको कप दिख रहे होंगे दोनों। हमने अभी जस्ट चाय पी है मौसम के साथ, जो नेचर के साथ इंजॉय करते हुए देख रहे होंगे। ये TMU यूनिवर्सिटी है, इन्हीं में पढ़ते हैं अमन भाई। एंड थोड़े यहाँ पे पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर पक्षी भी उड़ रहे हैं एंड शाम का मौसम है, काफ़ी सुहाना है। तो अमन भाई कुछ कहना चाहते हैं, इस साइड में आ जाओ थोड़ा सा। एग्ज़ाम वगैरह आप लोगों का आ रहा है तो अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी दिन बचे हुए हैं क्वेश्चंस वगैरह लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और मेहनत करो थोड़ा। बाकी वीडियोस वगैरह से ज़्यादा दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन वगैरह के स्ट्रेटजी जो बताते हैं 10 दिन में 15 दिन में, अब तक आपने जो पढ़ा है वही पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है फिर चलते हैं यार नीचे। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं बाज़ार, क्योंकि फ्राइडे के दिन यहाँ पे बाज़ार लगता है एंड वहाँ से मुझे आलू टमाटर और प्याज लेके आना है, जो कि हर सब्ज़ी में डलते हैं। एंड यहाँ पर जो है काफ़ी सस्ता मिलता है, ये टमाटर जो है वो 10 रुपये किलो हैं, तो हमने आधा आधा KG डिवाइड कर लिए थे 10 रुपये के 1 किलो लेने के बाद। दोस्तों बाज़ार से सब्जी खरीदने के बाद मैं जा रहा हूँ वापस अपने रूम की तरफ। आलू टमाटर और प्याज मैंने खरीद लिया है एंड ये कुछ इस तरीके का यहाँ का माहौल है। वापस आ चुका हूँ अपने रूम पर एंड इसको रख देता हूँ यहाँ पे। एंड ये मैंने अदरक लहसुन पेस्ट और मैगी मसाला ले लिया है। तो चलिए स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें अभी टाइम जो है वो 12:28 हो रही हैं और मैं जस्ट अमन भाई के रूम के बाहर हूँ एंड चलते हैं देखते हैं अमन भाई क्या कर रहे हैं। एंड आपने रूम के लाइट का जो कलर है वो देख लिया है, क्योंकि हम दोनों ने जो है वो ये कलरफुल बल्ब खरीदा है जो अपने मोबाइल से वाईफाई से कनेक्ट करके आप इसको चेंज कर सकते हो। और ये अमन भाई यहाँ पे कर रहे हैं जिम। तो अमन भाई वर्कआउट चल रहा है? यस। इससे मैं ये कह रहा हूँ पहले लाइट देखो, यहाँ पे ये कंट्रोल में है, यहाँ पे आके लाइट चेंज करो। जैसे मैं ये देखो ये कह दो ना पालस टू, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बल्ब, यहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, ये वाईफाई से कनेक्ट करो और ये देखो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं जबरदस्त। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप स्कैन कर सकते हो, ये जैसे
अब ये हो गया यहाँ पे रीड, मतलब पढ़ने के लिए आप ये कर सकते हो, नाइट के लिए आप ये लगा सकते हो, कुछ काम कर रहे हो वर्किंग ऑफिस वगैरह तो ये वाली लाइट कर दो जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एकदम दिन निकल गया। एंड लीजर ये पता नहीं क्या है, कुछ ऑप्शन है, सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट लाइट जलेगी, ये देखिए ग्रीन कलर की एकदम सॉफ्ट। तो अभी जिम करते टाइम या फिर ये देखो बिल्कुल बंद हो गई गाइज ये फिर जल गई। तो अमन भाई किस टाइम की जिम हो रही है आपकी, मतलब रात में करते हो ज्यादातर? नहीं जब टाइम मिल जाए तब करता हूँ, आज दिन में टाइम नहीं मिला। तो पैसे के लिए दिन में करते हो? वैसे दिन में शाम को करता हूँ, शाम के टाइम एक दिन छोड़ के एक दिन। तो अभी इसके जिम करने के बाद खाने वाने का तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है। खाना खा लिया आधा, अभी आधा खा लूंगा बस फिर सो जाऊंगा। खाना खा के जिम कर रहे थे, थोड़ा हार्मफुल रहेगा, करके सीधे नहाऊंगा फिर थोड़ा खाऊंगा। ये आपने जो बल्ब लिया है ये कितने रुपए का लिया है? बल्ब वही है 500 रुपए कुछ का है, 590 ऐसी। इसका वो दिखाओ जो आपने गूगल से कनेक्ट करके लिया, मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा वो। इसे बोलो गूगल कलर टू चेंज, इस तरीके से जो आप करते हो। हे गूगल चेंज लाइट बल्ब टू रेड। ऑलराइट चेंजिंग द लाइट बल्ब टू रेड। देखो गाइस राइट रेड हो गया। चेंज द लाइट बल्ब टू व्हाइट। भाई एकदम अमेजिंग है यार ये, मेरा वाला जो है वो रिमोट से कंट्रोल है और ये वाईफाई से कनेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया फीचर है। अगर आप जैसे रूम से बाहर भी हो ना और आप वहाँ से कनेक्शन है आपके मोबाइल में तो आप डायरेक्टली रूम का जो इसका चेंज कर सकते हो। हे गूगल इंक्रीज द ब्राइटनेस अप टू 100%। श्योर ब्राइटनिंग द लाइट बल्ब बाय 100%। 100% इसकी लाइट हो गई, आप इसे 200% भी कर सकते हो। एंड बाकी रूम का सेटअप वगैरह देख रखा है, अब मैं अपने रूम में चलता हूँ क्योंकि डिस्टर्ब भी हो चुके हैं अमन भाई। एंड ये रहा अमन भाई का एप्रन, डॉक्टर अमन उपाध्याय, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। एंड चलते हैं वापस अपने रूम की तरफ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का बिल्डिंग का माहौल है, एकदम शांति है, तो इस वजह से जो है वो मैंने यहीं पे रूम लिया है। एंड चलते हैं वापस अपने रूम की तरफ एंड फिर से अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना भी बनता है। ऐसा नहीं कि आप 5 घंटे स्टडी करने के लिए बैठ गए, उठ ही नहीं रहे हो एंड फिर उसके बाद देखा तो आपको फीवर हो गया है, ये सारी चीज़ें जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अपना ये 2 घंटे स्टडी करो, बीच में 10-20 मिनट का ब्रेक ले लो। तो ये ब्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। एंड आपको पता है ज़्यादा मैं स्टडी का शूट नहीं ले पाया हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है। तो चलिए यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।